जिले के बदरवासा थाना क्षेत्र में फोरलेन हाईवे पर स्टीयरिंग फेल होने की वजह से प्याज से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक की चपेट में कोई अन्य वाहन नहीं आया, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। इस हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक के ड्राइवर श्रीनिवास ने बताया कि वह पुणे से गोरखपुर के लिए ट्रक में प्याज भरकर निकला था। ट्रक शनिवार सुबह बदरवासा थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी और लुकवासा के बीच फोरलेन हाईवे से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक की स्टीयरिंग अचानक से फेल हो गई। स्टीयरिंग फेल होने के बाद ट्रक सीधा रोड होने की वजह से काफी दूर तक दौड़ता रहा। इस बीच ट्रक को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ट्रक हाईवे से उतरकर पलट गया। इस हादसे में मेरे साथ ट्रक के क्लीनर और एक अन्य को भी चोट आई है। गनीमत रही स्टीयरिंग फेल होने के बाद सड़क पर दौड़ते ट्रक की चपेट में कोई अन्य वाहन नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इधर एम्बुलेंस की मदद से 3 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर पुष्पेंद्र यादव पुत्र सुरेंद्र यादव उम्र 24 साल गंभीर घायल है। वहीं हेल्पर सुमित यादव पुत्र राकेश यादव भी गंभीर घायल है। बदरवासा थाना पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पुष्पेंद्र यादव, गाड़ी झोंक लेने से हुआ है, इस तरह एकदम फ्लिप होने से। कौन सी गाड़ी थी? 16 चक्का सब लीला। इसमें कौन कौन गया? क्लीनर और ड्राइवर। कौन? क्या नाम है? पुष्पेंद्र यादव। हालत में थोड़ा सुधार है या नहीं? हालत में तो है सुधार अभी। सुबह के टाइम हुआ ये। किस जगह पर? कुल्हाड़ी लोकवासा के बीच। आप कहाँ से कंटिन्यू जा रहे? बिनचूर से मुजफ्फरपुर।